कि मैं नहीं चुनाव में बैठा हूं, नहीं मैंने किसी का समर्थन किया है और नहीं कोई डॉक्टर साहब को पैसा से बेचैन हो गए, यूं कहिए कि पगला गए और पगला करके मेरे विषय में उल्टी सीधी अफवाहें ला रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे प्रत्याशी के पास जिनका नाम है ये डॉक्टर अशरफ अली निर्दलीय प्रत्याशी बढ़िया विधानसभा क्षेत्र से, चूंकि चुनाव में बहुत कम समय रह गए हैं और पूरे बहुत स्वागत है आपका भी स्वागत है और आपके माध्यम से पूरे बढ़िया विधानसभा के सामान्य जनता का भी स्वागत है। डॉक्टर साहब चुनाव में बहुत कम समय रह गए हैं और आपका लगातार क्षेत्र भ्रमण, क्या कहता है जनता आपकी बार आपको आशीर्वाद दे रही है? देखिए क्षेत्र का भ्रमण तो हमने किया है लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है कि हमको जितना पहुंचना था सभी लोगों के पास, उसमें से मेरे जो बहुत से चाहने वाले लोग हैं, मेरे जो प्रेमी लोग हैं, वो लोग छूट रहे हैं। तो मैं उन लोगों से यही गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो एक भाई की थोड़ी सी कमी को और मजबूरी को समझते हुए, और अपना उल्टा सीधा और गलत ही बोला जाता है, अब 10 लाख का हम देंगे, कहाँ देंगे, कैसे देंगे, आपको अगर हम 10 लाख दे दिए तो ये जाहिर सी बात है सब सरासर गलत है, देने वाला भी और दे देने वाला भी। सच्चाई ये है कि अब जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में जनता अच्छी तरह से सभी प्रत्याशियों के विषय में जान रही है, हमारी अभी जो मौजूदा सरकार है उसके विषय में जान रही है, हमारे जो मौजूदा विधायक महोदय हैं उनके भी समझ जान रही, जो बाहर से प्रत्याशी आकर लड़ रहे हैं उनके भी समझ जान रही, जनता सब जान चुकी है, समझ चुकी है कि इन लोगों का ये छला हुआ ठगना सारी बातें जो शुरू होती है चुनाव के समय होता है, हमेशा ये लोग जनता के बीच में रहते नहीं, इसीलिए जनता इस बार पूरी तरह से मूड बना चुकी है कि इन ठगने वालों को छोड़ो, जो हमारे बीच में रहने वाला है, हमारा सेवा करने वाला, हमारा खिदमत करने वाला है, उसके साथ जुड़ो। आप तो बड़े बड़े घाव को का जख्म को भर कर हरा भरा कर देने का मादा रखते हैं, क्या लगता है कि बढ़िया क्षेत्र अगर आपके हाथ में आता है या लोग आपको जिताते हैं तो वो क्या कर पाएंगे? देखिए ये लोग पहले से जान चुके हैं कि डॉक्टर साहब बड़े बड़े जख्मों को भरने वाले हैं, डॉक्टर साहब बड़े बड़े बीमारियों को ठीक करने वाले हैं, सेहत देते हैं, तंदुरुस्ती देते हैं, अगर किसी का बीमारी ठीक होता है तो उसके माता पिता को भी खुश करते हैं, उसके बाल बच्चों को भी खुश करते हैं, उसके भी जिंदगी में खुशियां बढ़ते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं खुशियां देने वाला हूँ, मैं किसी को गम नहीं देने वाला हूँ। अभी के जो प्रत्याशी रण में है उसमें से दोनों के दोनों ही प्रत्याशी दुख देने वाले हैं, कैसे? अरे वो दारू शराब खुद पीते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, बातें कर रहा है, तो दारू की ही बात आ रही है, शराब की बात आ रही है, और शराब किसी भी एंगल से अच्छा नहीं होता है, वो लीवर डैमेज करता है, आपका आंख डैमेज करता है, आपका किडनी डैमेज करता है, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से ये होता है कि वो किसी के जीवन को खराब करते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति की मान लिया जाए कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपका तंदुरुस्ती खराब हो जाती है, तो आप दो साइड में झटका देते हैं, एक अपने माता पिता को जिनको कि आपसे बहुत स्नेह है मोहब्बत उसने पाला पोसा, और दूसरे आपके बाल बच्चों को जो आप शराब बेचने वाले हो, पीने वाले हो, पिलाने वाले हो, सब लोग तो किसी के जीवन और स्वास्थ्य को बर्बाद ही करता है ना, इसमें डॉक्टर साहब जो है उसको बनाने वाले हैं, स्वास्थ्य देने वाले, जनता इसी बात को तो समझ रही है आज के डेट में, और इसी समझने के कारण जनता जान चुकी है डॉक्टर साहब 13 वर्षों से क्या करके जनता के बीच में दिए हैं, इनकी क्या आदत है, इसीलिए बहुत ही खुश नसीब हूँ मैं, ईश्वर भी हम पे अपनी निगाहें रखे हुए हैं, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि मैं एक डॉक्टर हूँ पेशे से, और मेरा पेशा मेरी डॉक्टरी बगैर आला की नहीं हो सकती है, मैं आला से ही अपनी डॉक्टरी करता हूँ, हर एक आदमी मुझे पहचानता है जब मेरे कंधे में कानों गला में आला होता है, तो आला मेरे कंधे में है, और आज मेरा चुनाव चिन्ह आला मेरे साथ में है, पहचान रही है कि डॉक्टर साहब का ही आला है, किसी और का आला नहीं है, तो जनता जान रही है कि डॉक्टर साहब का चुनाव चिन्ह आला है, जनता आला पे मुहर दबाएगी, जो 8 नंबर पे है, 8 नंबर पे ईवीएम के बटन को दबा करके डॉक्टर बैठ गए, डॉक्टर साहब पैसा ले लिए जनता से, मेरा नहीं मैंने किसी का समर्थन किया है और नहीं कोई डॉक्टर साहब को पैसा से खरीद सकता है, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास पैसा नहीं है, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, हम जनता के बीच में अपनी इज्जत को लेकर के आए हैं, कैसे अपनी इज्जत को डुबा लेंगे, प्रतिष्ठा जनता का है, मैं जनता की प्रतिष्ठा को कैसे डुबा दूंगा, तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, किसी के बरगलाव में जनता नहीं आएगी, जनता मुझे वोट देगी ईवीएम के 8 नंबर पे और आला छाप पे, किसी के कहने में नहीं आना है।